हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। और जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जिनमें भी हमारी जो प्लेलिस्ट थी वो फॉलो की थी, और जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं जो हमने TCS स्मार्ट हायरिंग के लिए बनाया था। सो गाइस, मैंने उनके कुछ मैसेजेस पढ़े थे। मीन आफ्टर द एग्ज़ाम दे आर रियली अपसेट, और काफ़ी पेनफुल भी फील होता था। हमने इतनी मेहनत की स्टूडेंट्स के साथ, और स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी मेहनत की थी, हमें काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्पॉन्स मिले स्टूडेंट्स से। बट क्या हुआ कि जो एग्ज़ाम था आपका 6 और 7 जून को जो एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ था TCS से, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के क्या था कि किसी का टेक्निकल इशू आ गया। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम का यही था कि उनका टेक्निकल इशू आ गया और किसी का एग्ज़ाम कम्प्लीट नहीं हुआ। किसी ने 20 मिनट्स एग्ज़ाम दिया, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया, या उसके बाद क्या था, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का डिले हो गया था, सो वो आउट हो गए थे। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के क्या डाउट्स थे कि किसी का जो IB लॉन्चर था वही लॉन्च नहीं हुआ, वाइट स्क्रीन हो गया। मीन काफ़ी सारे डाउट्स थे, और मतलब पॉइंट ये था कि उनका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाया। सो गाइज, क्या होता है कि जैसे आप देखिए एग्ज़ाम देते हो, सो आपको एग्ज़ाम की टेंशन अलग होती है। उसके बाद सेकेंड क्या होता है आपका, आप एग्ज़ाम देने बैठे हो और आपने सिर्फ, आप सोचिए 2 आवर्स का एग्ज़ाम और 20 मिनट 30 मिनट आप एग्ज़ाम कर रहे हो, उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम आउट हो गया आप। सो ये भी काफ़ी पेनफुल होता है। सो उसी के रिगार्डिंग हमने जो हमारी वीडियो थी, दैट इज़ आई थिंक, आई डो नॉट नो द डेट, बट हमारी जो वीडियो थी जिसमें हमने TCS रिजल्ट के बारे में डिस्कस किया था, TCS इंटरव्यू जो डेट्स आने वाली है आपकी, और रिजल्ट डेट्स आने वाली है, और व्हाट इज़ TCS इग्नाइट, ये जो 3 4 चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया था, आई थिंक 8 या 9 को थी हमारी वीडियो। सो इसमें मैंने स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया था कि आप मेल कीजिए, अपना इश्यू बताइए, और जिनके पास प्रूफ है, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन शॉट हो स्क्रीन का, या किसी ने पिक क्लिक कर ली हो, सो वो आप उनके पास भेजिए और उनको बताइए। सो क्योंकि मैंने उनको बताया था लास्ट टाइम भी, लास्ट टाइम या लास्ट लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था स्टूडेंट्स का, सो उन्होंने बताया था कि सर ऐसा इशू हो गया था। सो उन्हें भी मैंने यही सजेस्ट किया था कि आप लोग मेल कीजिए और उन्हें अपना मेल बताइए, और अगर वो कुछ रीज़न दें सो आप फिर उन्हें काउंटर कीजिए। मीन उन्हें बताइए कि सर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ऐसा, मीन ये सारी चीज़ें। सो गाइस, वही चीज़ें हमने इस बार की थी, और जो हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स थे ग्रुप से भी, और जिन्होंने हमें टेली जो हमारी यूट्यूब चैनल है उससे फॉलो किया हुआ है, उन्होंने फॉलो किया, और उन्होंने जो हमने बोला वही चीज़ उन्होंने किया। उन्होंने टोल फ्री नंबर पे कॉल किया और मेल किया उनको। सो काफ़ी सारी चीज़ें थी। सो 2 to 3 स्टूडेंट्स का मैसेज आया हमारे पास, 2 डेज़ पहले आ गया था 2 स्टूडेंट्स का, और 1 2 स्टूडेंट्स का आज भी आया है। सो फिर हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं डेडिकेटेड कि क्या इशू था, किन किन को मेल्स आए हैं, एग्ज़ाम कब होने वाला है, और ये सारी चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो गाइस देखिए, जो आपका एग्ज़ाम है वो रीशेड्यूल हो चुका है डेफिनेटली, और जो आपका अब जो रीशेड्यूल डेट है वो है आपकी 13 जून, दैट इज़ 13 जून आपको एग्ज़ाम फिर से होने वाला है। आई थिंक सबके पास मेल आ गया है, जिनके पास भी टेक्निकल इशू था। सो चलिए बात करते हैं क्या इश्यूज़ थे। सो देखिए, जिनके पास टेक्निकल इशू था, रन नहीं किया या काफ़ी सारी चीज़ें थी, उनके पास डेफिनेटली मेल आने हैं, और जिनके पास नहीं आए मैं सजेस्ट करूंगा फिर से, अगर उनके टेक्निकल इशू था या चलिए जो भी कोई इशू हो, आप अपना स्क्रीनशॉट या कोई भी चीज़ आपके पास प्रूफ है, नहीं है तो भी आप जो आपका इशू है उसे डिटेल में एक्सप्लेन करके और TCS को मेल कर दीजिए। सो गाइस, ये तो हो गया आपकी सारी चीज़ें। उसके बाद फिर बात करते हैं, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ, बट क्या होता है कि जैसे बार बार आप आउट हो रहे हो और आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ, आपने 3 सेक्शंस में से 5 5 क्वेश्चंस भी आपके रह गए हैं, और वो टेक्निकल इशू की वजह से ही आप इन आउट हो रहे थे बार बार, सो वो लोग भी मेल कर सकते हैं और उनको अपना रीज़न बता सकते हैं। सो चांसेस हैं उनके पास भी मेल आ जाए फिर से और उनका एग्ज़ाम 13 जून को रीशेड्यूल हो जाए। सो गाइज, जो टेक्निकल इश्यूज़ थे उनके पास मेल आ चुका है, और कुछ सिस्टम एरर्स हैं, आप जो भी आपके इश्यूज़ हैं मैं अब भी यही बोलूँगा, आप मेल कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपको, जैसे 13 जून आपको स्लॉट मिल चुका है, जिनके पास मेल आया, दैट मीन्स उनके पास स्लॉट एम्प्टी थे, इसलिए उन्होंने जो भी स्टूडेंट से मेल किया था या जिन्होंने भी नहीं किया, बिकॉज क्या होता है कि जैसे आपने मेल किया, अब आप ये मत सोचिएगा कि आपने मेल किया है तो आपको ही आएगा, नहीं, आपने मेल किया है, फॉर एग्जांपल आपने टेक्निकल इश्यूज के रिगार्डिंग मेल किया है, सो और भी स्टूडेंट्स को जिनको टेक्निकल इश्यूज होंगे वो सबका चेक करेंगे और उनके पास मेल सेंड करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, स्टूडेंट्स लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, सो काफ़ी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, और सो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि जिनको भी अभी लगता है कि हमारा भी टेक्निकल इशू था बट हमारे पास मेल नहीं आया, सो आप उनके पास मेल कीजिए, सेम इशू बताइए और सेंड कर दीजिए 2 to 3 mail IDs पर। एक आपका इन्फो हो गया, एक कैरियर TCS वाला हो गया, ये 2 3 mail IDs हैं, आप गूगल से या कहीं से भी देख लीजिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल है जो उसमें हमने पोस्ट की हुई है ये सारी चीज़ें। सो गाइस, चलिए आज के लिए बस इतना ही था, और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, और रियली आई एम रियली रियली हैप्पी कि हमारे स्टूडेंट्स को रिशेड्यूलिंग
जो डेट थी वो मिल चुकी है एंड आई नो वो भी बहुत खुश हैं। सो मैं यही बोलूँगा, प्लीज़ आप प्रिपरेशन करते रहिए और जो हमने एग्ज़ाम एनालिसिस की और जो हमारी प्लेलिस्ट की वीडियोस थी उन्हें फिर से वॉच कर लीजिए। आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। और जो एक दो स्टूडेंट्स के ये भी थे कि लाइक उनके सिंप्लीफिकेशन थोड़ा वीक है या जो क्वेश्चन आए रूट वाले क्वेश्चन आए थे गाइज वो काफ़ी ईजी थे। चलिए हमने वो वीडियोज़ में कवर कम किए थे क्योंकि हमें ये था कि ये स्टूडेंट्स को आता होगा। सो अब जो हमारी जो एनालिसिस वीडियोस हैं जो हमने 2 to 3 एनालिसिस वीडियोस बनाई हैं आप उनको फॉलो कर लीजिए। उनमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने शॉर्ट ट्रिक्स और जो हमारा मोटिव है सिंगल लाइन या डबल लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन थर्ड लाइन में हो सो आप हमें कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन आपका थर्ड लाइन तक सॉल्व हुआ है। सो चलिए गाइस फिर आज के लिए बस इतना ही और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। 13 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। सो चलिए गाइस ऑल द बेस्ट।